अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू क्रिक व्यूअर शो। आज के इस शो में मैं आपको टू ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ पर चलते हैं कि जो हर्षल गिव्स हैं उनको इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से थ्रेट आया है कि अगर तुम कश्मीर प्रीमियर लीग मुजफ्फराबाद में खेलने गए तो तुम पर सारी लीग्स की पाबंदी लगा दी जाएगी। तो वैसे ये मैं आज ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये बहुत मतलब सही नहीं कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट में ला रहे हैं। वैसे भी पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, उसमें जो क्रिकेट फैंस हैं वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, उसको उसमें वो पॉलिटिक्स डाल रहे हैं तो क्रिकेट का मज़ा ही बर्बाद हो जाता है और वो सारी जितनी इंटरटेनमेंट है क्रिकेट की उसमें वो पॉलिटिक्स डाल रहे हैं। ये तो ये बहुत मतलब अच्छा नहीं कर रहे, ये सही नहीं कर रहे, बहुत बुरी बात है ये कि पॉलिटिक्स डाल रहे हैं ये। तो इस हवाले से हर्षल गिब्स का सोशल मीडिया पर बयान आया है कि वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसी थ्रेट्स पर बिलीव नहीं करता और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है मुझे पॉलिटिकली ट्रैप करना चाह रहा है। तो ये उनका कहना था सोशल मीडिया पर। दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं कि बहुत ही अफसोसनाक न्यूज़ है ये आज़म खान के फैंस के लिए, क्योंकि आज़म खान को सीवियर हेड इंजरी हो गई है, वो हॉस्पिटल एडमिट कर दिए गए हैं और पीसीबी ने उनको सेकंड और थर्ड T20I अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में उनको ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि उनको बहुत ही सीवियर हेड इंजरी हुई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए हैं। तो ये थी आज की टू न्यूज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़रूर अपने फैमिली रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और क्रिकेट शौकीन के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।